नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जारी है, शंखनाद जारी है और बिहार में चुनावी मौसम भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में पहला मतदान भी हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला मतदान खत्म हो चुका है और दो चरण के मतदान अभी होने बाकी हैं, जो कि आगामी 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं। इसी कड़ी में बिहार में राजनीतिक दल के हरेक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता बिहार में घूम घूम कर जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं और इसी कड़ी में लोजपा के अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। चिराग पासवान भी लगातार बिहार में घूम घूम कर जनसभा को संबोधित करने में लगे हैं और इसी कड़ी में वो बेलसंड पहुंचे, जहां पर बेलसंड में चिराग ने जनसभा को संबोधित किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह चिराग के जो जनसभा है उसमें किस तरह जनसैलाब भी उमड़ा है। और साथ ही साथ चिराग ने अपनी जनसभा में, अपने संबोधन में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया है, नीतीश सरकार पर जमकर वार किया है चिराग ने। और क्या कुछ कहा है चिराग ने आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो में, आप सुनिए इस वीडियो को। 3 साल के डिग्री, 5-5 साल, 6-6 साल, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हमारे बिहार का युवा पढ़ नहीं जाए, क्योंकि पढ़ नहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि युवाओं के हाथ में डिग्री है, क्योंकि अगर डिग्री आ गई तो उसके बाद युवा इनसे रोजगार ना देगा। कहा से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है के बाद रोजगार दे देंगे? मुख्यमंत्री ने साफ बता कर दिया कि बिहार में कोई काम नहीं हो सकता, जानते हैं आप लोग क्या बोले मुख्यमंत्री कि बिहार में समुद्र किनारा नहीं, लैंड लॉक है भैया। पंजाब भी लैंड लॉक है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, अगर वहां जाकर बिहार काम कर सके तो जवाब दे मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नियत है। तो सुना आपने चिराग ने किस तरह नीतीश कुमार की सरकार पर, नीतीश कुमार पर हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा, ये उनके पार्टी का ये स्लोगन है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का वो नारा लगाकर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग कूद पड़े हैं और पहले चरण का मतदान भी हो गया है। साथ ही साथ अब दो चरण के मतदान होने बाकी है, जाने से पहले मैं आपको बता दूं जो कि आगामी 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं और 10 नवंबर को वो दिन आएगा जब पता चलेगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। नमस्कार।